खड़े खाए हो सब जने बैठो ना ऐसी खड़े खड़े कथा खाए रहे हो यह रामलीला ना है जो खाली रामलीला मैदान हुआ है यह कथा है कथा में यह बैठ सुना जात अब जहां जब नंबर हुआ तो बोलो अरे चुप रहो जैसा कानम आवाज पड़े वह हिसाब से चेहरा नाचे जैसी आवाज पड़े तो जो मेढक है पहले जन्म के रहा है आदमी ने भैया लेकिन जहाँ कथा होए भागवत होए तो ई जाए लेकिन कत्तौ कहा जाए बोलो लेकिन ये बोले नहीं भगवान के यहाँ बड़ा खराब लाग भगवान को जब खराब लगा तो भगवान ने सब जितने जने बोले ने सबका श्राप दे दी कहा लग जाओ तुमका हमरे नाम से इतनी घृणा है आगे चल के तुम मेढक और मेढकी हो जाओ जितनी अस्थियां हड्डियां हमारे शरीर में होती उतने अस्थियां हड्डियां मेढक में पाई जाती कोई बढ़िया डॉक्टर से पूछ लो बताएगा जब डॉक्टरी पास होता है तो सबसे पहले मेढक का ही प्रेडिकल किया जाता है सबसे पहले मेढक का ही प्रेडिकल होता है तो भैया वो काहे जान बोझ नर करें ठिठाई और तिनकी बिथा हरे को भाई जान बोझ के यहां जब आगे कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा कीचड़ में पैर डालोगे तो धोना पड़ेगा और बेवफा से ने अगर मोहब्बत करी हो तो सड़क के गांव किनारे पुलिया बैठी रोना पड़ेगा तो भैया भगवान का नाम इसीलिए बुलाया जाता अब भैया जी का मेढक और मेढकी बने को हो बिल्कुल ना बोलो अब वही नहीं बोलियो जब असाड़क दौंगरा गिरी तो ताल किनारे देखो पियर पियर हरदी का पोते चाची नानी काकी दीदी फूफू मौसी मौसिया आड़ू साड़ू सब जने बैठे हैं और तब भगवान से कहा भगवान हमका शरीर दे दो आदमी का हम भगवान तुम्हार भजन करब भगवान कहा लग भजन वजन कुछ न करी हो आलू खोदे के बाद तुरंत पिपरमिंट तैयारी करी हो तो ऐसे धोखा ना करो कम से कम दो बार भगवान नाम नहीं बोलो तो एक बार जयकारा बोल दो जयकारा बोल दे हम मेड़कुआ नहीं बने परी प्रेम सरोवर खंडेश्वर महादेव की कुछ जने बोले नहीं मेढक कम है बने लेकिन मेड़की ज्यादा बने हैं हाँ टर्र करी हो प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की कोई मुंह बाकी न रह जाए जो ना निकले जी मुंह राम नाम नहीं आवा वो मुंह ब्रह्मा व्यर्थ बनावा जयकारा बोल दो हम बागेश्वर बालाजी से कह दे कि कोई मेड़ुका ना बनायो सबका आदमी की शरीर बनायो प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की बस हम ना बने हो मेड़ुका हम ना बने हो हम ठाका ले लिया बड़ी विलक्षण कथा आज हनुमान जी का दिन है और हनुमान जी के भैया हम हो लंबे पुजारी हैं और यह वध हैं बरखंडेश्वर बाबा काली माता लेकिन हमका पहुड़े के जगह हनुमान जी दीनी काली कहला कि इधर ना आयो इधर खाना रखा जाए बरखंडेश्वर कहला कि इमा कोई नहीं घुस सकती यू सीमा के बाहर है यू आए धर्मशाला यू कोई पहुड़े वाला शाला ना है तो हनुमान जी कहला गाओ हमारे अब घुस जाओ आए तो भैया हनुमान जी के वह पाछे पहुड़े हैं नकोलिय तो हनुमान जी हमका बुलाई नहीं और कलयुग में यहाँ हनुमान जी अमरो हैं तो आज हनुमान जी का दिन है भैया और हनुमान जी की कथा सुना दें हनुमान जी की कथा सुना दें हनुमान जी हमारे दुनिया में आए कैसे पूरी दास्तान पूरा दृष्टांत सुना दे पूरा डाटा रोवा बता दे सुनो
सभी लोग सुनेंगे। दोपहर में मैंने सुनाया था, सती मैया जल के भस्म हो गई और वही सती जाकर के पार्वती बनी। वही सती जाकर पार्वती बनी। अब हनुमान जी के जन्म की कथा सुना दें और कथा दोपहर में फिर उसी के आगे सुनेंगे। आज हनुमान जी का दिन न हो तो ना बोली थी, लेकिन हनुमान जी का दिन है तो भैया बोल देते हैं। हनुमान जी हमसे कहे ना है कहे हमारी उतनी गाय हो जाए ते मरे गावे जाए तन भैया। कोई कोई माताएं बहने देखो जब भैया आवत है मैके से ने तो जब चले लागत है तो बहनी कहा लगती भैया अच्छा जायो हमारे भाभी से ने नमस्ते कह दियो जाए कहती कि नहीं कहती। और ए वह बहन कही कि हमारे भाभी नमस्ते कह दियो जाए जौनी नंद भौजाई में यहाँ खूब कटती हुई। और भैया जान बचा के भाग गई है तो कहीं है नमस्ते कही दो जाए नाव नहीं लेती हैं। अगर दिल लगी है नंद भाभी तो कहीं है हमारे भैया भाऊजी से नमस्ते कह दो। अच्छा यू कहो ध्यान दो जब बहन हमारी यू कह लागत तुमसे नहीं कि हमारे भाभी है तुमसे नहीं कि हमारे भाभी है तो देखे हो भैया के पेटे में लड्डू फूटे लागत है नहीं। हाँ वाह तुम हो तेरे को लही है तेरे को लही का तो मारे दिल गदगद हो जाता।